नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। इस किसी भी फंक्शन को जनरली एक्सेस करने के आपके पास टू अप्रोच अवेलेबल, आइदर बाय यूजिंग फंक्शन नेम और बाय यूजिंग फंक्शन एड्रेस और फंक्शन पॉइंटर्स। मीन्स सिंपली जस्ट इस प्रोसेस को मैं वेरिएबल्स के थ्रू कंपेयर करूंगा, देन आपके लिए इजीली वे में या इजी वे में आपके लिए समझना पॉसिबल है। जस्ट किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल्स अगर मैं थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता हूँ, लाइक इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, सिमिलरली इंटीजर वाई इक्वल्स टू 20, लाइक दैट टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, देन इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में मेमोरी के अंदर पर्टिकुलर अनरिजर्व्ड प्लेस होगा, इस अनरिजर्व्ड प्लेस को नेम आसान हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एज अ नेम एज एक्स। सपोज दैट इस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस है एज अ 100, देन फाइनली इस लोकेशन में वैल्यू क्या आसान हो रहा है 10। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्रिएट होगा, वन मोर लॉजिकल लोकेशन कॉल्ड एज वाई। वाई के रिस्पेक्ट में एज्यूम करूँगा उससे एज अ मेमोरी एड्रेस है समथिंग 200। फाइनली एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आपको एक्स या वाई का वैल्यू एक्सेस करना है, वैल्यू मॉडिफाई करना है, एक्स को या वाई को एक्सेस करने के आपके पास टोटल टू अप्रोच अवेलेबल हैं, आइदर बाय यूजिंग वेरिएबल नेम्स और बाय यूजिंग वेरिएबल एड्रेस। मीन्स किसी भी लोकेशन को फाइनली एक्सेस करने के वे कितने हैं आपके पास, या तो वेरिएबल नेम के थ्रू एक्सेस करोगे या फिर वेरिएबल एड्रेस या लोकेशन एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है, देयर आर टू वे। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में जितने भी आपने पर्टिकुलर exe फाइल के अंदर या .c फाइल के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट किए हैं या कोई भी फंक्शन कॉल करते हो, उस फंक्शन से रिलेटेड सारे के सारे मशीन कोड इंस्ट्रक्शन लोड का होते हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम मेमोरी। रैम के अंदर किस प्लेस पर लोड होंगे, इनसाइड मेथड एरिया, लाइक जिस तरह से लोकल वेरिएबल्स और ऑटो वेरिएबल किस एरिया में क्रिएट होते हैं, इनसाइड स्टैक एरिया। सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया। सेम वे में अगर फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन से रिलेटेड भी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन लोड किस प्लेस पर होते हैं, इनसाइड मेथड एरिया। फॉर एग्जाम्पल्स इस केस में मैंने टोटल टू वेरिएबल्स प्रोवाइड किए, फाइनली वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सेस करने के अप्रोच कितने, टू, यूजिंग वेरिएबल नेम और यूजिंग वेरिएबल एड्रेस। सेम केस सपोज दैट मैंने कोई फाइल क्रिएट किया है ए डॉट सी, इस फाइल के अंदर मैं अगर थ्री फंक्शन प्रोवाइड करूँ, लाइक फंक्शन एम वन विद सम इंस्ट्रक्शन एज स्टेटमेंट एस वन एस टू सेम एज वन मोर फंक्शन इज void m2। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको लो लेवल से डिस्कस करना है, देन आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है। देन सिमिलरली फंक्शन m2 के अंदर मैंने डिफाइन किया सम मोर स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एंड सो ऑन। ये जस्ट स्मॉल कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके लिए, इससे आपके इजीली समझना पॉसिबल हो। नेक्स्ट वन सम मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर भी जस्ट मैंने इस केस में कॉल किया लाइक अ फंक्शन M1 एंड सम कोड लाइक दैट। फाइनली ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल किस प्लेस पर है, इनसाइड a.c फाइल। a.c फाइल में टोटल कितने फंक्शन है, M1 M2 एंड मेन फंक्शंस, देयर आर थ्री फंक्शंस। जब इस फाइल को कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन के जस्ट बाद न्यू फाइल क्रिएट होगा एज अ एग्जीक्यूटिवल फाइल, प्लस एग्जीक्यूटिवल फाइल में इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में लोड होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। मीन्स exe फाइल में लोड किया वो मशीन कोड अबाउट M1, मशीन कोड अबाउट M2, मशीन कोड अबाउट मेन फंक्शन। तो टोटल कितने फंक्शंस के लिए मशीन कोड क्रिएट हुआ, देयर आर थ्री फंक्शन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। मीन्स .c फाइल के अंदर फंक्शन किस फॉर्मेट में, सोर्स कोड फॉर्मेट में। सिमिलरली exe फाइल के अंदर सेम फंक्शन किस फॉर्मेट में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल्स। प्लस वन मोर थिंग्स, करेंटली exe फाइल अवेलेबल किस प्लेस पर है, इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करोगे, जैसे exe फाइल में अवेलेबल क्या, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म क्या होता है, लोडिंग प्रोसेस। मीन्स लोडिंग रिक्वायर्ड exe फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो सबसे पहले इस exe फाइल के लिए परफॉर्म क्या हो रहा है, लोडिंग प्रोसेस। Means this file will be loaded from hard disk to RAM. This is the some RAM location. RAM के अंदर आप consider करो इसको एज अ method area. Means RAM के मैं किस partition को highlight करना चाह रहा हूँ, इस case में just method area like a stack. Clear? Stack क्या था, stack इज अ logical partition inside RAM. Heap इज अ logical partition inside RAM. Data area इज अ logical partition inside RAM. Similarly, method area इज also logical partition inside RAM. जिस तरह से स्टैक के अंदर क्रिएट क्या होते हैं, ओनली ऑल्टो वेरिएबल्स और वी कैन सी लोकल वेरिएबल्स। सिमिलर वे में मेथड एरिया को क्रिएट करने का पर्पज क्या, जस्ट होल्डिंग मशीन कोड अबाउट
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उस प्रोग्राम से रिलेटेड मशीन कोड किस प्लेस पर लोड होगा, इन साइड दिस मेथड ही दिया। तो टोटल इस पर्टिकुलर फाइल में कितने मशीन, कितने फंक्शंस के लिए मशीन कोड अवेलेबल है, 3 फंक्शंस। सपोज दैट एक सिंगल फंक्शंस के लिए अगर 10 बाइट्स रिक्वायर्ड है, टोटल कितने बाइट्स जब होंगे इसके लिए, 30 बाइट्स। जस्ट बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस फाइनली जब फंक्शन हार्ड डिस्क से रैम में लोड होंगे, सपोज दैट सम मेमोरी ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर लोडिंग किसके लिए हुआ, a.exe फाइल इस प्लेस पर अवेलेबल क्या हो चुका है, मशीन कोड अवेलेबल इनसाइड a.exe फाइल। देन फर्स्ट ब्लॉक एज्यूम को लिया कि सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है, 10 बाइट्स। मैं इसका एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट 300। नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 310320, ओनली एजम्पशन नॉट है एक्चुअल एड्रेस। देन फर्स्ट ब्लॉक में से जब फंक्शन m1 लोड हुआ, m1 के लिए रिक्वायर्ड किया सम मेमोरी प्लेस, देन m1 के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या थे, s1 s2, क्लियर। प्लस इस लोकेशन को लॉजिकल नेम क्या आसान हो जाएगा, एज आ m1, क्योंकि इस प्लेस पर मशीन कोड किसके लिए लोड हुआ है, m1 फंक्शन के लिए। सिमिलरली सेम नेक्स्ट ब्लॉक में लोड क्या हो जाएगा, मशीन कोड अबाउट m2, m2 के अंदर स्टेटमेंट क्या थे, समथिंग s3 s4। सेम है सेकेंड ब्लॉक को नेम आसान हो जाएगा लॉजिकली एज m2। इस टाइप से वेरिएबल्स क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। सिमिलर वे में फंक्शंस भी क्या, फंक्शन इज ऑल्सो नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। देन नेक्स्ट प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा, मशीन कोड अबाउट मेन फंक्शंस। फाइनली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अवेलेबल क्या, मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। फाइनली जैसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करें, वेरिएबल को एक्सेस करने के या मॉडिफाई करने के अप्रोच कितने, यूजिंग वेरिएबल नेम और यूजिंग वेरिएबल एड्रेस। सिमिलरली किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर इस फंक्शन के ब्लॉक का बेस एड्रेस 300 है, देन सेम ब्लॉक का अदर नेम क्या हुआ, *300। सिमिलरली *310, *320। फाइनली m1 फंक्शन को एक्सेस करने के आपके पास अप्रोच कितने हैं, 2 अप्रोच। किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट बात करें, मीन्स यूजिंग फंक्शन नेम और यूजिंग फंक्शन एड्रेस, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फंक्शन पॉइंटर्स। मीन्स फंक्शन एड्रेस इज नथिंग बट एक्सेसिंग एनी फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। मीन्स फंक्शन पॉइंटर को जस्ट क्रिएट कैसे करें, सारे सिंटेक्स अभी मैं आपको डिस्कस करूँ विद एग्जाम्पल्स। जस्ट इस केस में आपको कॉन्सल्टेट करना है, फंक्शन को एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है, उसका मेरिजन क्या है, क्योंकि फंक्शन भी क्या है, ऑल्सो लॉजिकल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। प्लस ये लॉजिकल नेम किस लोकेशन का क्रिएट होगा, जिस लोकेशन में फंक्शन से रिलेटेड मशीन कोड अवेलेबल है, क्लियरली। इसके जस्ट वन मोर थिंग्स, एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन फंक्शंस। हो सकता है आपको इस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो, प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आपको बोला था जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते फंक्शन कहां लोड होते, इनसाइड स्टैक एरिया। जस्ट इस केस में शो कहां कर रहा हूं, इनसाइड मेथड एरिया। इस केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मीन्स मेथड एरिया में जस्ट लोडिंग किसके लिए हुआ है, होल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस exe फाइल। मीन्स इस exe फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस थे, सभी फंक्शंस रिलेटेड एग्जीक्यूटिव कोड और मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल किस प्लेस पर है, इनसाइड मेथड एरिया। लेकिन इसके जस्ट बाद जैसे ही इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, देन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगेन फिर से परफॉर्म क्या हुआ, लोडिंग। लेकिन नेक्स्ट टाइम लोडिंग किस प्लेस पर हुआ, इनसाइड स्टैक एरिया। नेक्स्ट वन अदर लॉजिकल प्लेस क्या, समथिंग स्टैक। इस फंक्शन स्टैक एरिया और मेथड एरिया दोनों एरिया के टू सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है। मेथड एरिया के अंदर जस्ट स्टोर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, न कि लोकल मेमोरी एलोकेशन। मीन्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर एलोकेशंस परफॉर्म हो रहा है, मेथड एरिया इनसाइड स्टैक एरिया। स्टैक एरिया के अंदर जस्ट केवल, मीन्स मेथड एरिया की बात करें, मेथड एरिया के अंदर सारे के सारे फंक्शन एक साथ लोड होते हैं, चाहे आप इस फंक्शन को आप कॉल कराओ या ना कराओ। जैसे इस मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सपोज मैंने ओनली कॉल किया ओनली m1, लेकिन फिर भी लोडिंग कितने फंक्शंस के लिए हुआ, ऑल फंक्शन अवेलेबल इनसाइड exe फाइल्स। लेकिन जैसे इस केस में मेन फंक्शन एग्जिट हुआ, देन मेन फंक्शन इमीडिएटली लोड होगा टॉप ऑफ द स्टैक। देन इसके जस्ट ऑन मेन फंक्शन इटसेल्फ कॉल किसको कर रहा है, m1। देन नेक्स्ट टाइम स्टैक के टॉप प्लेस पर लोडिंग किसके लिए हो रहा है, फंक्शन m1। मीन्स स्टैक के अंदर एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, ओनली करेंटली एग्जीक्यूटेबल फंक्शन। मीन्स स्टैक के अंदर कहीं भी m2 के लिए कोई एलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे कभी भी स्टैक में कोई एलोकेशन परफॉर्म नहीं हो। वन मोर थिंग्स, स्टैक के अंदर किसी भी फंक्शंस के लिए कभी भी कोई मशीन कोड लोड नहीं होता, स्टैक के अंदर जस्ट लोड क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल्स। मीन्स इस प्लेस पर किसी भी फंक्शन को
स्टैक में लोड करने के जस्ट टू पर्पज है। फर्स्ट पर्पज इस मेमोरी के अंदर ये फंक्शन जस्ट किस प्लेस पर अवेलेबल है, 320 यूरो। मीन से इसको कॉल, मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली कॉल किसको कर रहा है, मेन फंक्शन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी खुद का कोई एड्रेस होगा समथिंग 1000, तो मेन फंक्शन इटसेल्फ किस प्लेस पर कॉल हो रहा है, 1000 लोकेशंस। इसलिए जैसे ये फंक्शन लोड होगा, इस फंक्शन के कॉलिंग के रिस्पेक्ट में स्टैक के अंदर जस्ट टू एंट्री मैनेज होंगे। फर्स्ट वन स्टोरिंग फंक्शन रिटर्न एड्रेस, फंक्शन रिटर्न एड्रेस। सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल और ऑटो वेरिएबल्स। मीन्स जस्ट स्टैक के अंदर फंक्शन को लोड करने का पर्पज क्या है, स्टोरिंग रिटर्न बैक एड्रेस और कॉलिंग एड्रेस। मीन्स जैसे पर्टिकुलर फंक्शन 1000 प्लेस पर कॉल हुआ, इसलिए इस प्लेस पर रिटर्न बैक एड्रेस में क्या स्टोर है, 1000। प्लस सेकेंड केस में क्या रहेगा, जस्ट मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शंस। क्लियर। सिमिलरली M1 के रिस्पेक्ट में मेन फंक्शन जब कॉल होगा, तो मेन फंक्शन इटसेल्फ कॉल किसको कर रहा है, M1 को। मेन के अंदर एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट अवेलेबल क्या, कॉलिंग टू द M1। देन M1 इटसेल्फ किस प्लेस पर कॉल हो रहा, 320। तो देन नेक्स्ट टाइम जब M1 फंक्शन कॉल होगा, देन इस प्लेस पर रिटर्न एड्रेस क्या स्टोर हो जाएगा, 320। प्लस इसके अलावा अदर स्टेटमेंट क्या स्टोर होंगे, मीन्स इसके अलावा परफॉर्म क्या हुआ, लोकल और मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द M1। इसके जस्ट बाद जैसे ही M1 फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, S1 S2। क्लियर। देन इसके जस्ट बाद M1 फंक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल किस प्लेस पर सेंड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट विजिट किसको करेगा, रिटर्न बैक एड्रेस। तो जैसे M1 के रिस्पेक्ट में रिटर्न बैक एड्रेस क्या था, 320। तो इमीडिएटली एग्जीक्यूशन कंट्रोल इसे S2 को एग्जीक्यूट करने के बाद किस प्लेस पर सेंड होगा, 320। इसके जस्ट बाद 320 के बाद नेक्स्ट कमिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। क्लियर। इस फाइनली मेथड एरिया के अंदर फंक्शन को लोड करने का पर्पज क्या है, स्टोरिंग एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। प्लस स्टैक मेमोरी के अंदर किसी भी फंक्शन को लोड करने का एग्जैक्टली पर्पज क्या है, स्टोरिंग रिटर्न बैक एड्रेस ऑफ द फंक्शन एंड एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर ऑटो वेरिएबल ऑफ द फंक्शंस। क्लियर। तो फाइनली इस केस में कॉन्सेंट्रेट करना है, जब इस प्लेस पर M1 को एक्सेस किया, तो M1 क्या है, M1 इज नथिंग बट एयर, M1 इज अ लॉजिकल नेम ऑफ दैट ब्लॉक्स। क्लियर। फाइनली इस ब्लॉक को एक्सेस में से M1 को कॉल करने का मतलब क्या है, S1 और S2 को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करना, और S1 और S2 जिस प्लेस पर अवेलेबल उस प्लेस का लॉजिकल नेम क्या है, M1। इसलिए इसको कॉल किसके थ्रू करा है, यूजिंग फंक्शन नेम M1। सिमिलर वे M1 को एक्सेस करने का अदर वे क्या है, यूजिंग फंक्शन एड्रेस। मीन्स M1 को आप जस्ट कंपेयर किससे करोगे, ब्लॉक नेम से। इस ब्लॉक का अदर नेम क्या है, *300। मीन्स M1 के प्लेस पर मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ, *300 देन पैरेंथेसिस। क्लियर। अगर इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है समथिंग 10, अगर ये 1 आर्गुमेंट होता है, देन इसके अंदर आपके लिए 1 आर्गुमेंट या सिंगल वैल्यू पास करना पॉसिबल। लेकिन इस केस में डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्टली 300 राइट किया, रियल प्रोसेस में आपके पास 300 डायरेक्टली अवेलेबल होगा क्या, नहीं। इसे 300 किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मीन्स सपोज दैट मैंने कोई पॉइंटर क्रिएट किया, ये सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में, क्रिएटिंग पॉइंटर। पॉइंटर के केस में जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ FP means just function pointer। लेकिन pointer declaration provide किसके थ्रू होता है, using star। pointer के साथ provide क्या करोगे, data types। इस particular pointer का data type क्या use करेंगे, depend करेगा what is the return type of the function। means इस particular FP में जिस टाइप से अगर x को access करना, तो x को access करने के लिए required क्या हुआ, address के through access करना, तो required क्या हुआ, pointer। पॉइंटर का टाइप क्या लेते हैं, पॉइंटर का डिक्लेरेशन किसके थ्रू प्रोवाइड करें, यूजिंग स्टार। लेकिन डेटा टाइप क्या, सेम एज टाइप ऑफ एक्स। इसके जस्ट बाद इसमें आसान क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल एक्स, देन फाइनली एक्स को एक्सेस करने का अदर वे क्या आपके पास, स्टार पी। क्लियर। सेम एज इन दैट केस FP के एमी से यहाँ मैंने फंक्शन पॉइंटर तो क्रिएट करा, लेकिन इस फंक्शन पॉइंटर में किसी फंक्शन का एड्रेस असाइन किया क्या, नहीं। देन अभी आपके लिए बताना पॉसिबल नहीं इस FP के थ्रू कौन सा फंक्शन पॉइंट हो रहा है। देन किसी भी फंक्शन का अगर एड्रेस असाइन करना, सिंपली आप यूज क्या करोगे, फंक्शन नेम, ओनली फंक्शन नेम विदाउट एनी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। क्लियर। आप फंक्शन नेम यूज कर सकते हो, प्लस इस फंक्शन का अगर आपको एड्रेस रिक्वायर्ड है, जैसे इसका एड्रेस क्या है, 300, तो इस केस में आप अप्लाई क्या कर सकते हो, M% और एड्रेस एट ऑपरेटर। मीन्स एड्रेस एट ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल का भी एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल है, प्लस सेम वे में फंक्शन का भी एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल है। क्लियर। वन मोर थिंग्स,
अगर आप फंक्शन के केस में बात करें, फंक्शन नेम के लिए एम्परसेंड राइट डाउन करना कंपलसरी नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट भी फंक्शन नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, इट्स बेस एड्रेस लाइक अ एरे। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको एरे पढ़ाऊंगा तो एरे के केस में कॉन्सेप्ट क्या रहता है, एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, इट्स बेस एड्रेस। सिमिलरली अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेस पर आप फंक्शन का नेम यूज कर रहे हो, फंक्शन नेम भी इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑल्सो बेस एड्रेस। मीन्स इस केस में लॉजिकली टर्म कैसा है, मीन्स एम्परसेंड M1 भी यूज कर सकते हो और सिंपल M1 भी यूज कर सकते हो, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। मेन डिफरेंसेस क्या होंगे जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा। देन अब क्वेश्चन है कि अभी तक मैंने इस पॉइंटर का डेटा टाइप प्रोवाइड किया क्या, स्टार से ये तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि FP पॉइंटर, लेकिन ये FP किस टाइप का पॉइंटर है, इस केस में ऐसा कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं। देन इस केस में डेटा टाइप क्या यूज करोगे, डिपेंड करेगा व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, मीन जिस फंक्शन का एड्रेस असाइन कर रहे हैं उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। इसलिए इस पॉइंटर का भी टाइप क्या लोगे, ऑल्सो वॉइड। अगर इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता देन स्पेस पर क्या यूज करते हैं, इंट स्टार। वन मोर थिंग्स, इस केस में पॉइंटर कैसा लग रहा आपको, है जाओ ऑर्डिनरी पॉइंटर, लेकिन ऑर्डिनरी पॉइंटर डिक्लेयर न करके इसको डिक्लेयर करेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स। मीन्स फंक्शन पॉइंटर और वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेरेशन मेन डिफरेंस क्या है, वेरिएबल पॉइंटर डायरेक्टली डिक्लेयर करो जबकि फंक्शन पॉइंटर हमेशा ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्लेयर होगा यूजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। प्लस वन मोर थिंग्स, इस केस में जस्ट देखा जाए तो अपने आप रिप्रेजेंट क्या करा, फंक्शन डिक्लेरेशन, मीन्स कोई ऐसा फंक्शन शो करा जिसका रिटर्न टाइप वर्ड स्टार है, इसलिए यूज क्या करेंगे, मीन्स इस पर्टिकुलर केस में प्रायोरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज क्या करेंगे, दैट सिंटैक्स। क्लियर, जस्ट मैं बाद में सेपरेटली अभी आपको इसके सिंटैक्स शो करूंगा, मीन्स अभी आपको सिंटैक्स कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, सिंपली एज्यूम करना है FP क्या है इस केस में, फंक्शन पॉइंट है जो कि पॉइंट किसको कर रहा है, M1 को। अब FP के अंदर आसान क्या हो रहा है, M1 के प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट 300, क्योंकि M1 ब्लॉक का एड्रेस क्या है 300 आसान किस में होगा, FP में। यानी FP क्या लाइक अ वेरिएबल, आसान क्या होगा इस केस में 300। FP इमीडिएटली इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट करे, FP के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक और नेम क्या हो जाएगा, स्टार FP, देन ब्रैकेट स्लाइड करना कंपलसरी है। देन इसके जस्ट बाद जिस तरह से प्रीवियस केस में फंक्शन M1 को डायरेक्टली कॉल करना पॉसिबल था, सिमिलरली M1 के प्लेसेस पर आप M1 का अल्टरनेटिव नेम यूज कर सकते हो स्टार FP, मीन्स इसको कॉल करने का अदर वे क्या, स्टार FP। मीन्स इस दोनों इन दोनों ही केसेस में कॉल क्या हो रहा है, फंक्शन M1। किसी भी फंक्शन को या तो आप फंक्शन नेम के थ्रू एक्सेस करो या फिर फंक्शन एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल है। जस्ट कुछ डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयरिंग फंक्शन पॉइंटर, मीन्स फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करने के जस्ट बेसिक सिंटैक्स क्या फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपके पास कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर भी किस टाइप का रिक्वायर्ड होता है, कैर स्टार। सिमिलरली अगर आपके पास इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए पॉइंटर किस टाइप का रिक्वायर्ड होता है, इंट स्टार। फॉर एग्जाम्पल सम कैरेक्टर वेरिएबल है कैर x, अगर इसे x का एड्रेस स्टोर कराना है तो पॉइंटर किस टाइप का लोगे, कैर स्टार px इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वेरिएबल है लाइक इंटीजर वेरिएबल y, देन पॉइंटर का टाइप क्या डिफाइन करें इस केस में, कैर स्टार और इंट स्टार p ऑफ y इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ y। सिमिलर वे में आपके लिए फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई फंक्शन अवेलेबल है लाइक दैट इंटीजर, फंक्शन नेम है एड, इस फंक्शन के केस में टोटल आर्गुमेंट टाइप कितने, इंट एक्स कॉमा इंट वाई लाइक दैट। यहाँ आपको लॉजिक से कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट क्या करो ओनली फंक्शन हेडर पार्ट। दिस इज सम फंक्शन गिवन एज एडिशन फंक्शन, क्लियर। अगर इस फंक्शन का मुझे पॉइंटर क्रिएट कराना है देन सिंपली पॉइंटर डिक्लेरेशन किस टाइप से प्रोवाइड करो, जो भी फंक्शन हेडर है सिमिलर वे में फंक्शन हेडर कॉपी कर लो, सबसे पहले रिटर्न टाइप देन फंक्शन नेम देन ब्रैकेट्स देन आर्गुमेंट टाइप। यहां आपको वेरिएबल नेम पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इंट कॉमा इंट लाइक दैट। देन अगर इसको पॉइंटर डिक्लेरेशन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप फंक्शन का रिक्वायर्ड फंक्शन का हेडर कॉपी करोगे, देन हेडर के अंदर ओनली फंक्शन नेम के प्लेस पर सिंपली यूज क्या करेंगे, पॉइंटर नेम लाइक स्टार FE इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। क्लियर, मीन्स जस्ट एड के प्लेस पर रिप्लेस क्या कर देंगे, स्टार FP एनी फंक्शन एनी पॉइंटर नेम नॉट ओनली स्टार FP। इस फाइनली डिक्लेरेशन आपको रिप्रेजेंट क्या करा, एज अ फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन। अगर आप इस प्लेस पर डिस्प्ले कराओ लाइक अ प्रिंट एफ
मैंने आपको बताया था पॉइंटर किसी भी टाइप का डिफाइन करें, चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो या वेरिएबल पॉइंटर या फंक्शन पॉइंटर हो। किसी भी टाइप के पॉइंटर के लिए मेमोरी में हमेशा एड्रेस के मेमोरी साइज कितना एलोकेट होगा, ऑलवेज 2 bytes। और आप इस प्लेस पर डिस्प्ले कराते हो साइज ऑफ फंक्शन पॉइंटर fp, तो इस केस में fp का सिंपली साइज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मीन्स 2 bytes। क्लियर? क्योंकि किसी भी पॉइंटर का मेन पर्पज क्या रहता है, होल्डिंग एड्रेस, और एड्रेस क्या है, इंटीजर टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। इंटीजर का साइज अगर 2 byte है देन पॉइंटर का भी साइज क्या है, ऑल्सो 2 bytes। अगर इंटीजर का साइज 4 byte है देन पॉइंटर का साइज क्या है, ऑल्सो 4 byte। फाइनली मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। अब क्वेश्चन है कि जैसे पर्टिकुलर पॉइंटर में किस टाइप के फंक्शन का एड्रेस असाइन कराना पॉसिबल, इस पॉइंटर के अंदर किसी भी ऐसे फंक्शन का एड्रेस असाइन कर सकते हो जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और इस फंक्शन के थ्रू 2 integer आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना पॉसिबल है। इसे इस पॉइंटर का क्राइटेरिया एग्जैक्टली मैच किससे हो रहा है, हेडर ऑफ एडिशन फंक्शन। इसे एफपी के अंदर फंक्शन ऐड का एड्रेस असाइन कराना पॉसिबल है, इट इज वैलिड। देन प्रीवियस केसेस में ऐड फंक्शन को आपने कॉल किया था लाइक दैट, ऐड समथिंग 10, 20 और रिजल्ट इक्वल्स टू एड लाइक दैट। सिमिलरली सेम फंक्शन को अब आपके लिए पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल है। पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए सिंपली यूज करेंगे एड के प्लेस पर स्टार fp, ब्रैकेट्स में राइट करना कंपलसरी जस्ट बिकॉज ऑफ सिंटेक्स और कंट्रोलिंग प्रायोरिटी। देन 10, 20, इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग कैसा है, एग्जैक्टली सेम। वन मोर थिंग्स, सपोज दैट अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ इंटीजर सबट्रैक्शन इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई लाइक दैट, या इस केस में अगर दोनों ही फंक्शन के हेडर पार्ट की बात करें तो हेडर कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। मीन्स इसे एफपी फंक्शन के अंदर, इसे एफपी फंक्शन का सिग्नेचर एडिशन फंक्शन के साथ ही मैच हो रहा, सबट्रैक्शन फंक्शन के साथ ही मैच हो रहा, क्योंकि एडिशन भी कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है 2, सबट्रैक्शन भी कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है 2, दोनों का रिटर्न टाइप भी कैसा है सेम। इस फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन का भी एड्रेस असाइन करना पॉसिबल है पॉइंटर के अंदर, और सबट्रैक्शन फंक्शन का भी एड्रेस असाइन करना पॉसिबल है, दोनों केस कैसे हैं सेम। अगर आप इस प्लेस पर ऐड फंक्शन का एड्रेस पास करोगे देन इस कॉलिंग से एग्जीक्यूशन किसका हुआ, एडिशन फंक्शन बॉडी का। सिमिलरली अगर मैंने सबट्रैक्शन फंक्शन का एड्रेस पास किया देन इससे कॉल क्या हुआ, सबट्रैक्शन फंक्शंस। क्लियर? बट सपोज दैट अगर इस केस में टोटल सबट्रैक्शन के केस में अगर इस फंक्शन को डिफाइन करता है 3 arguments, देन ये असाइनमेंट कैसा है, लॉजिकली इनकरेक्ट, क्योंकि इस पॉइंटर डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग पॉइंटर के लिए ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर सकता है जिसके थ्रू 2 integer आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि सबट्रैक्शन के केस में कितने आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, 3 arguments। मींस इनका प्रोटोटाइप सेम है, डिफरेंट यानी पर्टिकुलर डिक्लेरेशन कैसा है वैलिड। मीन्स रियल में कंपाइलेशन टाइम पर कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, लेकिन लॉजिकली स्टेटमेंट डिक्लेरेशन कैसा है, इनकरेक्ट। अगर आप एडवांस कंपाइलर यूज करते हैं रिस्क क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर्स। जिस टाइप से अगर मैंने इस प्लेस पर वेरिएबल पॉइंटर क्रिएट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ओनली वाई का ही एड्रेस ऑन होगा, इस पॉइंटर py में वाई का भी एड्रेस ऑन कर सकते हैं, वाई का भी टाइप क्या है इंट, और जेड का भी टाइप क्या है ऑल्सो इंट। मीन्स जेड का भी एड्रेस ऑन करना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल, बिकॉज वाई और जेड दोनों के टाइप के साथ सेम है। सेम एज प्रीवियस केस में एड और सबट्रैक्शन दोनों के हेडर और सिग्नेचर कैसे थे सेम, इसलिए इस पॉइंटर के थ्रू दोनों ही फंक्शन कॉल कराना पॉसिबल है। जस्ट नेक्स्ट केस में मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा देन आपके लिए और अच्छे से जो है ना पॉसिबल होगा।